टेक्निकल टीम क्या एरर है, इस कमेंट सेक्शन को ऑन कीजिए। तो अपने टॉपिक शुरू करते हैं, कमेंट सेक्शन ऑन हो जाएगा। तो देखिए बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि वर्ताकार स्केल का जीरो नीचे की ओर है, कहाँ कब, बंद अवस्था में, जब आप कोई भी छड़ नहीं लेके बैठे हैं, सीधा बंद कर रखा है, तब वर्ताकार स्केल का अगर जीरो नीचे की ओर है तो आपकी जो त्रुटि होगी, एरर होगा, वो होगा पॉजिटिव एरर। त्रुटि होगी पॉजिटिव। त्रुटि किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हुई थी। थोड़ा हमें अतिरिक्त पाठ्यांक प्राप्त हो जाता है जब हम रीडिंग प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो पॉजिटिव है। त्रुटि कैसे ज्ञात की जाती है, बड़ा सिंपल तरीका है। जो आपकी रीडिंग लेने वाली लाइन होती है यहाँ पर, ये पिछले वाले लेक्चर में चर्चा की थी, उससे ये जीरो कितनी दूर है, वो त्रुटि होगी। जैसा कि इस चित्र के अंदर ये जीरो सात डिवीज़न दूर है। ये सात भाग हैं, आपको दिख नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सात डिवीज़न है, ये सात डिवीज़न दूर है बेटा, ठीक है। तो इसमें त्रुटि हो गई सात डिवीज़न की। और आप मिलीमीटर में कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधी सी बात है, डिवीज़न को मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवीज़न को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप लोग लिस्ट काउंट से, अल्पतमांक से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैं आपके कमेंट सेक्शन अभी देख पा रहा हूँ, तो कोई समस्या आती है तो आप तुरंत प्रभाव से लिख दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दीजिए टेक्निकल टीम को, तुरंत प्रभाव से इन्होंने एरर ठीक किया है। सुरेश नाथ, वॉइस प्रॉब्लम अभी भी है क्या, चेक करके बताएं आप मुझे। मुझे लगता है अभी ठीक होगी वॉइस। तो अब हमें वस्तु को मापना है, हमने वस्तु की लंबाई मोटाई को मापना है। तो सीधी सी बात है, पहले मुख्य स्केल की रीडिंग देखेंगे बेटा। मुख्य स्केल की रीडिंग यहाँ तीन भाग है, तीन डिवीज़न, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। तो 3 mm तो मुख्य स्केल की रीडिंग हो गई, यहाँ से देखी जाती है, ठीक है। और इसकी रीडिंग कितनी है, यहाँ से देखी जाएगी, जीरो से कितनी दूर है हम लोग, जीरो से कितनी दूर है, सात भाग। ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सात भाग हैं, ठीक है ना। तो सात भाग हैं, तो प्लस 7 × लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना है इसका, 0.01 इन मिलीमीटर में लिखा है मैंने, तो वैल्यू होगी 3.07 mm। ओके, बड़ा सिंपल सा तरीका है रीडिंग लेने का। अब आपको अगर शुद्ध पाठ्यांक चाहिए, तो मैंने बताया था आपको शुद्ध पाठ्यांक के लिए क्या करना है बेटा, शुद्ध पाठ्यांक चाहिए। मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए फटाफट बोल रहा हूँ, कल के लेक्चर में बता चुका हूँ। वैसे तो मैं क्या करेंगे बेटा, जो पाठ्यांक आपको प्राप्त हुआ है उसमें से घटा देंगे त्रुटि को, अर्थात आप 3.07 में से 0.07 को घटा देंगे, तो 3.00 mm आपको शुद्ध पाठ्यांक प्राप्त होगा। ये होगी इस छड़ की मोटाई। ओके, सिंपल। एक और एग्जांपल लेके आया हूँ मैं, इसके अंदर ध्यान से देखेंगे आप, बंद अवस्था के अंदर जीरो ऊपर है वर्ताकार भाग का, कॉमर्स की लाइव क्लास के लिए बेटा आप कॉमर्स के टीचर से संपर्क कीजिए, वही आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। यहाँ शायद हम नहीं दे पाएंगे जानकारी, कॉमर्स की साइंस की जानकारी दे पाएंगे। तो ये क्या है, जीरो ऊपर है, तो जीरो ऊपर मैंने कल भी तरीका बताया था, दोबारा बता दूँ, जीरो जब ऊपर आता है तो उसे हम कहते हैं ये तो माइनस में चला गया, नेगेटिव में चला गया बालक, याद कीजिए टेस्ट के अंदर, बस ऐसे ही याद रख लीजिए कि जीरो जब ऊपर की तरफ हो तो त्रुटि माइनस में होती है, जो एरर होता है वो नेगेटिव होता है। एरर कैसे ज्ञात होता है, वो मैंने आपको बताया था, शून्य से कितनी दूर हैं हम, ये हमारा पाठ्यांक जो है जहाँ पर हम रीडिंग नोट करते हैं, वो शून्य से कितनी दूर है, सात भाग दूर हैं। कितने भाग, सात भाग, ऐसे देखना होता है। यहाँ भी शून्य से दूरी ही देखनी होती है, ऐसा नहीं है कि सर ये 90 है, 91, 92, 93 होना चाहिए ना, यहाँ पर वर्ताकार भाग में तो 93 बन रहा है ना इसकी सीध में तो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जीरो से दूरी देखनी है, लेकिन इसमें नहीं देखनी जीरो से दूरी, इसमें आपको भाग ही देखना है कौन सा है। जैसे कि यहाँ 95 वाला भाग है, कैसे पता चला, ये 90 लिखा हुआ है, ये जीरो लिखा हुआ है, इसके मिड की लाइन है, तो होगी ना 95 की लाइन। तो इसकी रीडिंग कैसे होगी, इसकी बात तो होगी कि नेगेटिव में होगी त्रुटि, त्रुटि कितनी होगी, सात भागों के बराबर होगी, सात भागों के बाद पाठ्यांक कितना है इसके बराबर, 7 × 0.01 mm है। ओके बेटा, तो ये त्रुटि हो जाएगी। इसकी रीडिंग कितनी है इसको देखना पड़ेगा, लिख के नहीं लाया, मैं देख ही लेता हूँ ध्यान से और आपको बता देता हूँ। 5, 6, 7 है ये, 7 mm तो किसका पाठ्यांक है,
मुख्य स्केल का, ओके बेटा। और इसका पाठ्यांक कितना है 95, तो 95 मल्टीप्लाई 0.01, ओके, तो 7.95, हाँ ठीक है, एमएम होगी वैल्यू। अब इसमें से शुद्ध पाठ्यांक अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 7.95 में से घटाना पड़ेगा 0.07 को, ये क्या है त्रुटि है माइनस की, तो इसको माइनस का लिख देता हूँ मैं। त्रुटि हमेशा घटानी है, वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वो अपने आप माइनस गुणा होकर के भाग होकर के सेट हो जाएंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए, आज मैंने बोला नहीं और आपने किया नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। वॉचिंग बहुत कम है, 30-35 बच्चे वॉचिंग होंगे तो ही हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू रखना मुश्किल होगा भाई। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। अब आप सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि 10-15 बच्चों के लिए क्लास कंटिन्यू करना मुश्किल है मेरे लिए। तो देखिए बेटा, जूम इट तो बहुत टाइम लग जाएगा कल का लेक्चर, मैं क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ, मैं जूम भी करके बता दूंगा, कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है आपको जूम में। इसमें देख लीजिए, ये लीजिए, ये एक डायग्राम है, मैंने जूम करके दिखा दिया आपको, उम्मीद है अब आपको बढ़िया दिख जाएगा, ठीक है। ये लो, अब ये वैल्यूज़ है अपने पास, दिख रहा होगा। तो शुद्ध पाठ्यांक निकाल रहा था मैं यहाँ से, शुद्ध पाठ्यांक कितना आएगा, इनसे इनसे शुद्ध पाठ्यांक निकालने का प्रयत्न था, तो इसको माइनस करेंगे तो 7.95 माइनस माइनस प्लस 0.07, जोड़ मैं नहीं करके बताऊँगा, आप जोड़ लेना बस, उत्तर आ जाएगा। ओके बेटा, चलते हैं आगे। वर्नियर कैलिपर्स आ गया, क्या होता है, आप चर्चा हो चुकी है, सिंपल सी बात है भी, वर्नियर कैलिपर्स एक ऑपरेटर है जिसकी सहायता से आप लंबाई मोटाई आदि माप सकते हैं, ठीक है, गोले का व्यास माप सकते हैं, किसी भी बेलनाकार छड़ का अंदर का बेलनाकार भाग है उसके अंदर का व्यास माप सकते हैं, बाहर का व्यास माप सकते हैं। इसमें दो जबड़े लगे होते हैं, ये रहे, ये इसमें दो जबड़े लगे होते हैं जिनके बीच में वस्तु को फिट करके आप उसका व्यास आकार माप सकते हैं। स्केल होता कैसा, देखिए इसमें एक होता है मुख्य स्केल, जहां मैं लिख रहा हूं ये मुख्य स्केल है, इसको हम कहते हैं मुख्य पैमाना, क्या कहते हैं बेटा, मुख्य पैमाना। एक पैमाना और होता है इसके अंदर, ये देखिए जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, यहां भी एक स्केल बना हुआ है छोटा सा, इतना स्केल ये देखिए, ये रहा इतना का एक स्केल बना हुआ है यहाँ, इसको कहते हैं वर्नियर पैमाना, क्या कहते हैं इसे, वर्नियर पैमाना। इन पैमानों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, क्या अंतर होता है मैं क्विकली बता दूँ आपको, फटाफट बता देता हूँ। देखिए सीधी सी बात यह है कि 10 MSD ये क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन, मुख्य पैमाने मुख्य स्केल के भाग, 10 भाग, मतलब ये मुख्य स्केल ऊपर दिख रहे हैं इसके 10 भाग, 0 से लेके 10 भाग, ठीक है, किसके बराबर होते हैं, सॉरी इसके 9 भाग, इसके 9 भाग किसके बराबर होते हैं, 10 VSD के बराबर होते हैं। ये क्या होता है, V मतलब वर्नियर, S मतलब स्केल, D मतलब डिवीजन, मतलब भाग, कहने का मतलब वर्नियर स्केल के तो 10 भाग होंगे इतनी दूरी के अंदर, ठीक है, तो इतनी दूरी में इसके कितने भाग आएंगे, 9 भाग ही आएंगे, ये इसका कंसेप्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार का इसमें स्ट्रक्चर होता है। गुड इवनिंग बेटा, क्वेश्चन आप पूछते चलिए, गुड इवनिंग तो अपने बाद में भी कर लेंगे पर्टिकुलर, हाँ अभी शेयर किया लगता है कुछ बच्चों ने, कुछ बड़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, 30 से अगर नीचे रहेंगे इस हफ्ते तक तो फिर हम लोग बंद करेंगे क्लास, 30 से ऊपर ऊपर रहिए, क्लास कंटिन्यू करूँगा मैं, ठीक है। ये लीजिए, अब ये आप कंसेप्ट समझ लीजिए, MSD क्या है, मुख्य स्केल के भाग को लिखते हैं हम शॉर्टकट में, 9 मुख्य स्केल के भाग बराबर हैं 10 वर्नियर स्केल के भाग, वर्नियर स्केल के भाग के बराबर हैं, ठीक है। ये होता है नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स में, किसमें होता है, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स में होता है। ओके बेटा, अब बात आती है कि वर्नियर कैलिपर्स को पढ़ा कैसे जाता है, सीधी बात, हमें तो रीडिंग लेना सीखना है ताकि हम न्यूमेरिकल कर सकें, इसको पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ने संबंधित इसमें चर्चा करेंगे, कुछ एक को दिखने में प्रॉब्लम है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए अभी, अब तो दिखेगा ही दिखेगा ना, ये लीजिए, तो पढ़ना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप सुन लीजिए। ये है इसका जबड़ा, अदर से चला के बता देता हूँ, ये है इस वर्नियर कैलिपर्स का दांत, मान लीजिए जबड़ा, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए,
इसके अंदर आपने वस्तु को फिट कर रखा है, ये रही वस्तु आपकी जिसको आपने फिट कर रखा है, और आप चाहते हैं इसकी लंबाई ज्ञात करना। क्या चाहते हैं आप? इसकी लंबाई ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम पहला काम आपका क्या है? पहला काम है आपका मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक ज्ञात करना कितना आएगा। यहां से देखना होगा आपको मुख्य पैमाने के पाठ्यांक को, यहां से जीरो से चलते चलिए 10 20, अब ध्यान से चलना है, 21 22 23 24, ये लाइन है ना, जो ये वाली लाइन, ये जीरो लाइन है वर्नियर की। ओके, इससे पहले पहले कितने भाग हैं वो देखने होते हैं मुख्य स्केल पर, पहले पहले कितने भाग हैं, तो 24 भाग हैं। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 24 मिलीमीटर हो गया, क्योंकि एक भाग 1 मिलीमीटर को बताता है, तो 24 भाग है 24 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, अब आगे की चर्चा बता दूं मैं आपको। मुख्य पैमाने के बाद में मैं बात करना चाहूंगा वर्नियर पैमाने की, वर्नियर पैमाने के पाठ्यांक की बात करना चाहूंगा, वो कैसे देखा जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, उसे कैसे देखा जाना है। सर्वप्रथम आपको ये देखना होगा कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो भी रेखाएं हैं, जो भी लाइनें हैं, उनमें से कौन सी लाइन, कौन सी रेखा ऊपर की लाइनों के साथ अच्छी तरह से मिलान करती है, कौन सी लाइन ऊपर की किसी भी रेखा के साथ अच्छी तरह मिलान करती है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये वाली लाइन अच्छी तरह से मिलान करती है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन के साथ एग्जैक्टली सीध में आ रही है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? ये 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की लाइन है ये। तो वर्नियर कैलिपर्स का पाठ्यांक हो गया 7 मल्टीप्लाई में 1 वीएसडी की वैल्यू। एमएम मत लिख देना, एमएम स्केल तो ये वाला है, मुख्य स्केल एमएम स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये मिलीमीटर में नहीं है, इसके खाने हैं जो, इसके भाग हैं जो, ठीक है ना। अब ये वैल्यू है कितनी, तो ये 7 × 1 VSD की वैल्यू कितनी होती है, नहीं सॉरी 1 VSD नहीं, ये आएगा अल्पतमांक, 1 लिस्ट काउंट, यहां पर मल्टीप्लाई हुआ अल्पतमांक से, ये होता है अल्प से अल्प मापा जा सकने वाला मान, वो होता है 0.1 mm। इसके लिए वो कैसे निकलता है अभी चर्चा करूंगा, ये है 0.1 mm, मिलीमीटर में अगर चर्चा करूं तो। ओके, तो ये हो जाएगा 0.7 mm। इस प्रकार से आप इन दोनों को जोड़ करके पाठ्यांक निकाल सकते हैं, किन दोनों को भाई, 24 mm को और ये 0.7 mm को जोड़ करके वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग याद कर सकते हैं। उम्मीद है रीडिंग याद करना आपको पता चल गया होगा कैसे याद करनी है। अब अल्पतमांक कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी मैं बता दूं, फिर अल्पतमांक की थोड़ी सी और डिटेल से चर्चा भी करूंगा मैं। अल्पतमांक 1 MSD में से 1 VSD को घटा करके ज्ञात किया जाता है, इस बात को याद तो रखना ही रखना है, समझना भी है, समझेंगे आगे, याद पहले कर लो, ठीक है, कर लोगे याद। तो वर्नियर कैलिपर्स का को पढ़ना, इस संबंधित एक क्वेश्चन लेके आए हैं अपने, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, आप लोगों को इस गोलाकार वस्तु का व्यास बताना है। ओके, तो सर्वप्रथम तो हम रीडिंग देखेंगे मुख्य स्केल की, मुख्य स्केल की रीडिंग, इसकी सीध में या इससे पहले कौन सी लाइन है ये देखना पड़ेगा मुझे, 10 11 12 13 14 15, इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य स्केल का पाठ्यांक है 15 mm, ये लीजिए, सिंपल है ना काम। ओके, दूसरा मुझे ये देखना है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है, तो मैं देखूँ कौन सी लाइन अच्छी तरह से मिलान कर रही है इनके साथ, ये लाइन मुझे अच्छी तरह से मिलान करते हुए नजर आ रही है, ठीक है ना, ये कितने नंबर की लाइन है, 1 2 3 4 5 6 नंबर की लाइन है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग या पाठ्यांक क्या आया, पाठ्यांक आया वर्नियर स्केल का 6 × अल्पतमांक, अर्थात 0.6 mm इसका पाठ्यांक आ गया। ओके, 15 mm इसका है, दोनों को जोड़िए, उत्तर आएगा कितना, 15.6 mm, ये लीजिए। स्केल देखना आप सीख गए होंगे मुझे लगता है, कोई समस्या स्केल देखने में जल्दी से लिख के बता दीजिए है या नहीं है।
बिल्कुल बेटा, आदर्श का ऑनलाइन ऐप लॉन्च हो चुका है, वर्किंग में है। आप उससे जुड़िए, स्कूल पे स्कूल से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, किसी भी टेक्निकल टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। कन्हैया पारिख, आपको बोल रहा हूँ। बिल्कुल बेटा, आपने उत्तर भी सही बताया। जितेंद्र सीमार, भरत जाट, सुरेश नाथ, आप कल नहीं थे मुझे लगता है, इसलिए आपको समस्या हो सकती है कुछ एक। ममता मेघबाल, नो प्रॉब्लम। सुरेश शर्मा, नो प्रॉब्लम। गंगा गोस्वामी, नो प्रॉब्लम। अनिल जांगिड़ को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, सुरेश नाथ ये लिख रहे हैं कि समस्या नहीं है। ओके ओके, ठीक है, समझ गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो ये है वो क्वेश्चन जिसमें अल्पतमांक की चर्चा करने वाला हूँ मैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इसमें बारीकियाँ काफ़ी है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ये ठीक रहेगा, उम्मीद है ये आपको दिखेगा बढ़िया तरीके से। मैं आपको 1 VSD और 1 MSD के बीच थोड़ा अंतर है उसके बारे में चर्चा करवाने वाला हूँ आज, ठीक है। संक्षिप्त चर्चा करने की कोशिश करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि ये वाली लाइन मिलान कर रही है, सीधी बात साफ बात, ये वाली लाइन मिलान कर रही है वर्नियर स्केल की ऊपर वाली लाइनों से। अब देखिए ऊपर से पाठ्यांक कितना है, यहाँ तक आप आते हो, यहाँ तक तो कितनी वैल्यू आती है, सीधी सी बात है। यहाँ तक आते आते 13 mm पाठ्यांक था, ये जीरो वाली लाइन है ना, तो इसको तो मैं देखूँ अलग से। आगे कितना है, 1, 2, 3, मतलब ऊपर से अगर मैं रीडिंग देखता हूँ, ऊपर से अगर मैं पाठ्यांक देखूँ, ऊपर से चर्चा करूँ, तो रीडिंग बनती है बेटा 13 mm प्लस 3 mm, यही बनती है ना। बिल्कुल, यहाँ तक की रीडिंग यही बनती है, यहाँ तक की जहाँ पर मिलान हो रहा है। समझ में आ गई बात। ऊपर से देखा है मैंने स्केल को, मुख्य स्केल को देखा है केवल और केवल, वर्नियर की कोई चर्चा नहीं की अब तक मैंने। आद्र सरदार सर नाम से बेटा सर्च कीजिए यूट्यूब प्ले स्टोर पर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आपके पास मेरे नंबर हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें और मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा ऐप का। कन्हैया पारिक, आपको बोल रहा हूं मैं, स्कूल के किसी के स्टाफ के नंबर है मैसेज डाल दें आप, उनसे मेरे नंबर ले सकते हैं आप, संपर्क कीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। ऊपर से ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली बेटा, अपने प्रश्न पर आते हैं। अब नीचे से मैं चर्चा करूंगा, नीचे से ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान लगाइएगा, इधर भी बताऊंगा ये सेम ही इसकी चर्चा है। यहां से आप इसको मिटाता हूं पहले मैं, यहां से आइए, इधर से यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो पहले यहां आपको रुकना पड़ेगा, कहां 13 पर आकर के, मतलब कितनी वैल्यू हो गई, 13 mm वैल्यू हो चुकी है। आगे जब ये जीरो वाली लाइन शुरू हो रही है ना, ये जीरो लाइन, इसके बीच में कुछ गैप है, यहां हमने दर्शाया है उस गैप को एक्स नाम दे करके। ध्यान दीजिए, दोबारा सुनिए, मैं मुख्य स्केल पर यहां तक आता हूं, कहां तक आता हूं, 13 mm तक, हो गया यहां तक कंप्लीट। अब जो वर्नियर स्केल है वो 13 से थोड़ा आगे शुरू हो रहा है, तो 13 और वर्नियर स्केल के बीच में थोड़ा गैप बच गया ना, उस गैप को मैं कहता हूं एक्स मिलीमीटर। क्या मान लिया हमने, x मिलीमीटर। अब यहां से यहां तक कौन है, वर्नियर स्केल है, कितने खाने हैं वर्नियर स्केल के भी, 3 खाने हैं, तो नीचे से रीडिंग कितनी होगी, 13 mm प्लस x प्लस 3, किसके खाने हैं, वर्नियर के। वर्नियर को मैं VSD लिखना चाहूंगा, ओके। ये किसके हैं, ये है MSD, मेन स्केल डिवीजन के 3 भाग ऊपर, और नीचे है वर्नियर स्केल के 3 डिवीजन। MSD VSD लिखूंगा ताकि मैं इन पर चर्चा कर सकूं ना मेरी, ओके। यहां तक क्लियर होगी क्या बात, जल्दी से लिख के बता दीजिए सभी लोग, नहीं हुई है तो नहीं लिख दीजिए, हुई है तो हुई लिख दीजिए जल्दी से। नीचे वाला स्केल है ना, जो थोड़ा बड़ा और कर देता हूं मैं इसको अलग से दिखाने के लिए, उम्मीद है हम लोग ये कर पाएंगे अच्छी तरह से।
इस स्केल को दिखा रहा हूँ मैं अलग से बड़ा करके। हाँ हो गया। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि ऊपर से अगर आप आते हैं जहाँ मिलान हो रहा है लाइन का, ए बिंदु नाम दे रखा है आपने, तो यहाँ तक आते हैं तो 13+3 mm होगा, 13 mm + 3 mm ही है, लेकिन मैंने mm को MSD लिख दिया है क्योंकि एक MSD 1 mm के बराबर है। अच्छा सभी के क्लियर है। अच्छा जितेंद्र सीमार को दोबारा जानना है, नो प्रॉब्लम, बताते हैं बेटा, दोबारा ही बता रहा हूँ देखिए। तो नीचे से आप देखेंगे तो 13 mm डिस्टेंस यहाँ तक हो गई, कहाँ तक हो गई, वर्नियर स्केल से पहले ही 13 mm, ठीक है। वर्नियर स्केल तो यहाँ से शुरू हो रहा है, 0 तो यहाँ है, मैंने पीछे चर्चा की थी ना, ठीक है। और इनके बीच के गैप को मैंने एक्स नाम दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक आते आते 3 VSD और आगे बढ़ना पड़ा। देखिए 3 खाने VSD के बढ़ाऊँ, MSD के नहीं, VSD MSD की भूल भुलैया को मैं पहले समझा चुका हूँ, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। ओके तो इन 3 स्टेप को नीचे से जोड़ें तो ऊपर वाले ए बिंदु की सीध में आ जाएंगे, मतलब ऊपर से ए तक दूरी मापें चाहे नीचे से ए तक दूरी मापें, दोनों होनी तो बराबरी चाहिए ना। तो मैं काम करता हूँ नीचे वाली दूरी और ऊपर वाली दूरी को क्या रखने वाला हूँ, बराबर रखने वाला हूँ। तो 13 mm + x मुझे ज्ञात करना था, इसके साथ प्लस में 3 VSD भी है, और बराबर में 13 mm + 3 MSD बराबर में रखा मैंने इनको। ओके यहाँ तक ठीक है, और 13 mm + x तो मुझे ज्ञात ही करनी है वैल्यू, बराबर 13 mm मुख्य स्केल की रीडिंग प्लस 3 1 MSD माइनस 1 VSD। थोड़ा सा दिमाग लगाइए खुद, अपने आप 3 कॉमन आप निकालिए और आप देखेंगे इस प्रकार का फॉर्मेट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है मुख्य स्केल का पाठ्यांक, ये क्या है वर्नियर स्केल का भाग जो मिलान कर रहा है, और ये क्या है ये लिस्ट काउंट अल्पत मांक, ठीक है। 13 mm + x क्या है, देखिए 13 mm तो मैं छोटा करके वापस चर्चा करूंगा चित्र पर, देखिए इसको मिटा के चर्चा कर देता हूँ थोड़ी। देखिए 13 mm तो मुख्य स्केल की रीडिंग थी ना, थी ना। अब ये 3 कौन था, ये 3 भाग थे ना किसके, वर्नियर स्केल के भाग थे ना। तो आपका जो आंसर आया है 13 mm मुख्य स्केल का पाठ्यांक प्लस जो मिलान करने वाली भुजा है 3 वो आई है, और ये गुणा में कौन है 1 MSD माइनस 1 VSD बना है ना, इसका नाम हमने रखा है लिस्ट काउंट अल्पतमांक, ठीक है। तो ये अल्पतमांक के लिए देखो 1 MSD 1 VSD के बीच का जो थोड़ा अंतर है वही लिस्ट काउंट का काम कर रहा है। ओके ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कुछ एक, ध्यान से देखिएगा। वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने का सबसे छोटा भाग 1 mm है, ठीक है भाई। ओके 10 वर्नियर भाग VSD मतलब 9 भागों के संपाती हैं, कौन से मुख्य पैमाने मतलब MSD। जब गोले का व्यास मापा जाता है तो वर्नियर पैमाने का शून्य 2.0 से 2.1 के बीच में है, ठीक है। शून्य चिन्ह मतलब अभी जो चर्चा की थी हमने, तो वर्नियर पैमाने का पांचवा भाग, कौन सा भाग, पांचवा भाग संपाती है ऊपर वाले स्केल के साथ, गोले का व्यास बताइए। सिंपल सी बात है, अगर आपको पाठ्यांक चाहिए, अगर आपको पाठ्यांक चाहिए तो आपको मुख्य पैमाने का पाठ्यांक चाहिए और संपाती चिन्ह कितने नंबर का है वो, और गुणा में लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, इतना काम करना पड़ेगा आपको। ओके okay?
ये कौन है अभी क्या लिख रहा है ये? मुख्य पैमाने की रीडिंग क्या है बेटा? देखिए 2.0 से 2.1 के बीच, ये रहा अपना स्केल 2.0, ये रहा और ये रहा 2.1। आपका यहां बीच में जीरो आ रहा है, किसका? वर्नियर स्केल का। ऐसे वर्नियर स्केल है ना, तो बताइए आप पाठ्यांक क्या लेंगे? 2.0 ही तो लेंगे ना, क्यों? 2.1 तो है ही नहीं, तो 2.0 तो पूरा है, कुछ आगे और है एक्स जो अभी ले रहे थे हम लोग, ठीक है? वो एक्स कौन बताएगा? वो वर्नियर स्केल बताएगा अपने को ज्ञात करके। तो मुख्य स्केल की वैल्यू क्या हुई? 2.0 हो गई। संपाति चिन्ह कौन सा बताया? पांचवा बताया है। ओके भाई, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? 1 MSD - 1 VSD से निकालते हैं, ठीक है? और इसको निकालने के लिए उसने आपको कुछ ऊपर बताया है। वो कहता है कि 10 VSD है ना जो, वो 9 MSD के बराबर है। ध्यान से पढ़ के देख लो, 9 भाग मुख्य पैमाने के 10 वर्नियर स्केल के बराबर है। तो वैल्यू मिल गई आपको यहां से, किसकी वैल्यू मिल गई? 1 VSD की। 1 VSD की वैल्यू मिली 9/10 MSD। ओके बेटा, तो मैं इसको हल करता हूं। 2.0 + 5 और 1 MSD - 9/10 MSD, वैसे तो आप कर लेंगे आगे। 2.0 + 5 रहेगा, ये होगा 10 - 1/10, 1/10। और MSD क्या है? MSD 1 mm है। देखिए उसने कहा है कि 1 भाग 1 mm के बराबर है, मतलब MSD मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर है, तो ये mm में वैल्यू हो जाएगी। MSD मतलब मैं ये कह रहा हूँ 1 MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन 1 भाग 1 mm कहलाएगी। ओके, तो ये बटा में आएगा, 0.5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनती है जोड़ने पर 2 mm में और 2 सेंटीमीटर में है ये। ओके, ये mm को चेंज करना पड़ेगा पहले, तो 2.0 तो पड़ा रहेगा और ये 0.5 बनेगा, जिसको 0.05 लिखना पड़ेगा अगर मुझे इसे सेंटीमीटर में लिखना है। तो 2.05 ऑप्शन देखना होगा, 2.05 ए ऑप्शन सेट हो जाएगा। उम्मीद है आप क्वेश्चन कर पाएंगे। 2.5 नहीं हो पाएगा, यही तो गलती है। आप देखिए यहां, यहां सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहां सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और हमारा जो ये VSD MSD चल रहा है ये मिलीमीटर में चल रहा है। देखो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 MSD बराबर क्या है? 1 mm है। ओके बेटा, 1 MSD बराबर 1 mm है, इसका मतलब ये है। इसका मतलब इधर वाला पोर्शन तो किसमें चल रहा है? टोटली ये वाला पोर्शन तो mm में चल रहा है, मिलीमीटर में चल रहा है अपना, और उधर वाला पोर्शन किसमें चल रहा है? ये चल रहा है सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ही आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ओके, मेरे नंबर ऊपर कमेंट सेक्शन में डाल दिए हैं, उस पर मैसेज डाल दें, मैं आपको भेज दूंगा। कन्हैया पारीख। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन करने हैं आज अपने को मैक्सिमम, फटाफट क्वेश्चन करते हैं, देखते जाइए आप। एक घन वर्नियर की भुजा कैलिपर्स भुजा से मापी जाती है, मतलब कैलिपर्स से मापी जाती है घन की भुजा। घन है, ओके ठीक है, घन मतलब 3 भुजाएं, और ये है 10 भाग वर्नियर पैमाने के, 10 भाग मतलब 10 VSD। ओके, मुख्य पैमाने के 9 भाग मतलब 9 MSD के संपाती है, ठीक है? यहां मुख्य पैमाने का 1 भाग 1 मिलीमीटर के बराबर है। कहने का मतलब 1 मिलीमीटर के बराबर कोण है 1 MSD, मेन स्केल डिवीजन मतलब मुख्य स्केल का भाग। आगे क्या कहता है? मुख्य पैमाना 10 मिलीमीटर पड़ता है, मतलब मुख्य पैमाने की रीडिंग क्या है? 10 है। वर्नियर पैमाने का प्रथम भाग मुख्य पैमाने के संपाती है। देखिए पाठ्यांक क्या होगा, पाठ्यांक क्या होगा, मेन चीज है पाठ्यांक को फाइंड आउट करना। तो पाठ्यांक होगा मुख्य स्केल का भाग प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। पैमाने का पाठ्यांक कैसे निकालते हैं? वो अभी मैंने बताया था, जो संपाति चिन्ह है उसको अल्पतमांक से गुणा करके। ओके, तो मुख्य पैमाने की वैल्यू कितनी है? 10 mm। कितनी देर की? mm दे रखी, अब की बार ध्यान दे लेना, लेकिन पीछे वाले में सेंटीमीटर दे रखी थी,
इसमें एमएम में दे रखी है, प्लस वर्नियर स्केल की कैसे निकालेंगे, संपाती भाग एक है ये लिख रखा है इसने, प्रथम भाग गुणा में लिस्ट काउंट अल्पतमांक, कितना होगा अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर, ये कैसे निकलता है मैंने बता दिया, लेकिन एक बार और बता देता हूँ, 1 MSD माइनस 1 VSD से निकलता है। तो आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 1 MSD बराबर 1 mm दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, वो कहता है 10 VSD बराबर 9 MSD है। प्रश्न की भाषा को समझिए, पहली लाइन में कहा है उसने ये, तो 1 VSD बराबर क्या बनेगा, 9/10 MSD। ओके, लिख के बताइएगा, कहीं प्रॉब्लम है तो, नहीं हो तो मत लिखिएगा, देखते रहिए बस। 9/10 MSD बन गया, इसकी वैल्यू को इसमें रखेंगे, 1 MSD का सीधा वैल्यू रख दूं क्या, 1 mm, ये हो गया 1 mm, पर्सन के अनुसार ये हो गया 9/10 गुणा में 1 MSD लिख दूं, 1 MSD का मतलब है 1 mm, ये भी mm में हो गया, ये 1 mm लिख सकता हूं मैं, 1 mm लिख सकता हूं, तो ये हो गया 1 - 9/10 mm, अर्थात 10 - 9/10 mm अर्थात 1/10 mm, ये बन गया 0.1 mm। ये लो अल्पतमांक याद रख जाएगा, इसी से मैं यहाँ गुणा कर रहा हूँ, देख लीजिए डायरेक्ट ही, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन होती है ये, तो कौन सी, 10 VSD बराबर 9 MSD नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन में आप डायरेक्ट याद रखिए ना, अल्पतमांक 0.1 mm होता है। ओके, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10.1 mm। पूरी चर्चा से क्या निकल के आई है, लंबाई, भुजा की लंबाई कितनी, 10.1 mm, पूरी चर्चा को मिटाते हैं अपने, भुजा की लंबाई निकल के आई है पूरी चर्चा से 10.1 mm, वर्नियर स्केल का पाठ्यांक देखा आपने, L भुजा निकल के आई है 10.1 mm। अब आगे प्रश्न में क्या कहता है, घन की सार्थक अंकों तक, घन का घनत्व सही सार्थक अंकों तक कितना है, घनत्व निकालना है, रो निकालना है। L = घनत्व निकालना था अपने को, ρ = m/v। टेक्निकल टीम कन्हैया पारिक को स्कूल के नंबर प्रोवाइड करवाएं कमेंट सेक्शन में अभी, कन्हैया पारी के नंबर हैं, इस नंबर पर आप अभी इनको ऐप का लिंक सेंड कर दें। तो बेटा द्रव्यमान आपको दिया हुआ है कितने सार्थक अंकों तक दिया हुआ है, 4 तक दिया हुआ है, तो ρ = m मतलब 2.736/ आयतन भुजा क्यूब, मतलब भुजा की पावर 3 कर देंगे हम, तो भुजा कितनी है 10.1, याद रहे 10.1 mm में है, ठीक है, लेकिन सभी में आपको सेंटीमीटर दे रखा है ऑप्शनों में, mm को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसकी पावर 3 तो ठीक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, कैसे होगा, 10^-1 की भी पावर 3 करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 2.736 × 10^3 / 10.1^3, ठीक है। IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कुछ कंसेप्ट अवश्य छुपा हुआ होगा बिना कैलकुलेशन के करने का, आप प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, चलो अभी एक बार, तो ये 2.736, ये 10^3, लगभग ये भी 10^3 ही है, एक बार के लिए मानिए 10 ही है ये, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएं, यदि वैसे तो होंगे नहीं, लगभग कैंसल आउट हो जाएंगे, तो उत्तर 2.7 के करीब ही आना चाहिए, तो ये 2.7 के करीब नहीं है, ये भी 2.7 के करीब नहीं है, और ये भी 2.7 के करीब नहीं है, तो 2.7 के करीब यही एक ऑप्शन है। सार्थक अंक 3 क्यों आएंगे, देखिए भाई सार्थक अंक 3 है तो मिनिमम वाले लिए जाते हैं, 10.1 में सार्थक अंक 3 है तो मिनिमम वाले ले लेंगे, ओके। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ आ गया होगा, लिख के बता दें आप मुझे, कोई समस्या रहेगी ये क्वेश्चन में, क्योंकि अभी दोबारा चर्चा करना संभव है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप भी प्रैक्टिस करें, आपके पास हैं तो पूछते रहें मेरे से, लेकर के आए व्हाट्सएप पर कर दें, अगले दिन मैं आपको करवा दूंगा।
वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर 1 mm के चिन्ह हैं, इसके मुख्य पैमाने के 16 खाने, अब ये नया क्वेश्चन आया है, पहले तो सारे एक जैसे ही थे, वर्नियर पैमाने की 20 खानों से संपाती है। ध्यान से लिख लेते हैं अपने, ये कहता है कि 16 खाने किसके, मेन स्केल के, किसके बराबर है, 20 वर्नियर स्केल के खानों के बराबर है। उम्मीद है समझ आ गई होगी बात। इस वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बताइए, ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, लेकिन पूछा है IIT ने भी ये प्रश्न, देख लीजिए इतना सिंपल प्रश्न भी पूछा गया है। देखिए अल्पतमांक का सूत्र आपको सीधा 1 MSD - 1 VSD में इसलिए याद करवा रहा हूँ बार बार, वैसे तो अधिकतर प्रश्नों में 0.1 mm ही होता है, लेकिन रेयर प्रश्नों में इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। गंगा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो इसके बाद में आप देखिए इसका यूज करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग क्या करने के लिए, 1 VSD को निकालने के लिए। तो 1 VSD इक्वल टू क्या होगा बेटा, 16/20 MSD होगा या नहीं होगा, भाग लगा देंगे सिंपल सा, ठीक है, इसका यूज करेंगे यहां, तो हम लिखेंगे 1 MSD माइनस 16/20 MSD और ये हो जाएगा 1 - 16/20 MSD, ये हो जाएगा बेटा 20 - 16/20, तो कितना हो जाएगा 4/20, 5 × 20 1/5 MSD। ध्यान दीजिएगा MSD के लिए इसने आपको बताया कि 1 mm मुख्य पैमाने पर 1 mm के चिन्ह हैं, मतलब 1/1 mm को बता रहा है, सीधा सा बात, सीधी सी बात है, 1 MSD इक्वल टू 1 mm, ठीक है। तो 1/5 को हल कर देंगे हम इजीली, 1 में 5 का भाग लगाना है भाई, 0.02, ये रहा ऑप्शन डी ऑप्शन, ठीक है, 0.2, 1.25 किसका बता रहे हैं, धनवीर सिंह ने 1/5 mm बहुत पहले बता दिया, शाबाश, वेरी गुड, 0.2 जितेंद्र सिमार, बिल्कुल शाबाश, बहुत ही अच्छा, इसका मतलब वर्नियर कैलिपर्स की क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देख लीजिए, एक वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में है और एक विद्यार्थी इस वस्तु के मुक्त पथन में किसी दिए गए समय में तय की गई दूरी नापता है। देखिए 11th बेस्ड क्वेश्चन है, 11th का आपका जो सरल गति का चैप्टर है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करने में करता है इन आंकड़ों का प्रयोग, यदि दूरी तथा समय की मापों में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, दूरी में प्रतिशत त्रुटि और समय में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है भाई, तो जी का मान ज्ञात करने में त्रुटि कितनी है, वो भी प्रतिशत वाली, ठीक है भाई। पहले तो क्या कर रहा है मुझे देख लेने दो, वो विद्यार्थी इस वस्तु को मुक्त पथन में, मतलब मुक्त पथन का मतलब ऊपर से नीचे गिर रही है फ्रीली ऐसे, ठीक है भाई, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 है, मुक्त पथन में प्रारंभिक वेग 0 होता है, अंतिम मुझे नहीं पता कितना है, मुझे ज्ञात भी नहीं करना, लेकिन दूरी और समय की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो देखिए गति का द्वितीय समीकरण, S = ut + ½ gt² ऐसे लिखा जा सकता है, प्रारंभिक वेग 0 है तो S = 1/2 gt², ठीक है। अब प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो आप ये जानते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, तो ∆g/g 100 + 2 ∆t/t ×100, ये प्रतिशत त्रुटियां है, ओके, ये प्रतिशत त्रुटियां है, तो आपको तो जी में तो निकालनी थी, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दूरी में, E1, ओके भाई बराबर, ये तो निकालना ही है मुझे, ये तो क्वेश्चन मार्क है मेरा, प्लस 2 × में टाइम में कितनी दे रखी है E2, ये लीजिए, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या मिली, E1 - 2 E2, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन सेट होगा क्योंकि त्रुटियां जुड़ती है, घटती नहीं है, ठीक है ना, त्रुटियां जुड़ेगी। तो इस फॉर्मूले को आप लोग ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल बी ऑप्शन ही होगा इसका, भावना सैनी ने सही बताया है। त्रुटियां मैंने पहले भी बताया था हमेशा जोड़ी जाती है, तो जी इक्वल्स टू क्या बनेगा ऐसे देख सकते हैं आप, 2s/t2। ओके, तो डेल्टा जी अपॉन जी क्या बनेगा, डेल्टा एस बटा एस प्लस 2 delta t/t, ऐसे देख सकते हैं आप। ये कितना होगी वैल्यू, ये आपको दे रखी है e1, क्या दूरी में e1 बिल्कुल, प्लस 2, ये वैल्यू कितनी दे रखी है e2, बिल्कुल बी ऑप्शन ही सही होगा। हाँ जितेंद्र सिमार बी बता रहे हैं, भावना सैनी बी बता रहे हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बने रहे हैं आप लोग, देखिएगा ये क्वेश्चन हम लोग आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। एक ठोस गेंद का घनत्व एक प्रयोग से निर्धारित होना है, ठीक है, क्या निर्धारित होना है, घनत्व। ओके भाई, गेंद का व्यास स्क्रू गेज, एक स्क्रू गेज है अपने पास, और जिसकी पिच, इसकी चर्चा कर चुका हूं मैं, ठीक है, पिच है 0.5 mm, तथा जिसके वर्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं, वर्तीय पैमाने पर कितने भाग हैं, 50 भाग हैं, मुख्य पैमाने का मान 2.5 mm है, ये रीडिंग बता रहा है उसकी, वर्तीय पैमाने का भाग 20 भाग है, ठीक है, तो आपको द्रव्यमान में आपेक्षिक त्रुटि 2% है, चाहता क्या है, घनत्व में आपेक्षिक त्रुटि कितनी है ये बता दें। सर्वप्रथम तो मुझे अल्पतमांक निकालना है, जरूरत पड़नी है, तो अल्पतमांक का सूत्र आपको मैं बता दूँ, कल के लेक्चर में भी बताया था, पिच बटा में वर्ताकार भाग, पिच कितनी है 0.5 mm, वर्ताकार भाग कितने हैं 50, तो कितनी वैल्यू बनती है, ये बनती है 1/100, या यूँ कहें 0.01 mm में। ओके, अल्पतमांक याद हो गया, अब क्या करेंगे हम, अब घनत्व ज्ञात करना है, ठीक है, और किसका निर्धारण कर रहे हैं, व्यास का निर्धारण कर देता हूँ, डी मतलब व्यास कितना होगा, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2.5 mm, ठीक है, प्लस वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक 20 × अल्पतमांक, 20 भाग दे रखे हैं ना संपाति, तो हो जाएगा 2.5 + 0.20 = 2.7 mm, किसकी वैल्यू है, ये व्यास की वैल्यू है। ओके, ध्यान रह जाएगा इतना, अब 2.7 mm, द्रव्यमान में त्रुटि 2 है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ, इन चीज़ों का यूज करते हुए हमें क्या करना है, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि और सूत्र ये होता है, पता है आपको, आपको क्या दिया है उसने, आपको उसने व्यास दिया, तो व्यास किसका, गेंद है, गेंद कैसी होती है, गोलाकार होती है, गोले का व्यास दिया है आपको कुल मिला करके, तो आप लोग इस सूत्र की सहायता से लिख सकते हैं m/4/3 πd/2³। मैंने तिरजा को, तिरजा के स्थान पर डी बाई टू लिख दिया, क्यों लिखा है, क्यों लिखा है हमने डी बाई टू, क्योंकि डी हमने फाइंड आउट किया है, डी हमने ज्ञात किया है, तो डी के पदों में लिख लिया हमने। अब देखिए, डेल्टा रो बटा रो इक्वल्स टू में डेल्टा एम बटा एम प्लस, कॉन्स्टेंट छोड़ देते हैं मल्टीप्लाई वाले में, तो 3 बाहर आएगा और डेल्टा डी बटा डी आएगा। ओके, अब देखिए हम लोग घनत्व में त्रुटि निकालनी है ना, देख लेते हैं पहले तो, हाँ बिल्कुल घनत्व में सारी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। द्रव्यमान में आपेक्षिक त्रुटि 2% है, ये परसेंटेज में है भाई, इनके साथ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अपने आप ही समझ लेना कि 100 साथ में ही है, परसेंटेज में जब चर्चा हो रही है 100 साथ में ही है, परसेंटेज में चर्चा कर रहे हैं ना अपने, तो ये तो अपने को फाइंड आउट करना है, ये तो हमें ज्ञात करना है, 100 के साथ लगा हुआ है, ये कितना दिया हुआ है इन परसेंटेज, 2% दिया हुआ। ओके, ये कितना दिया हुआ है प्लस 3, डेल्टा डी कहाँ से लाएं भाई, देखिए अनुमेय त्रुटि कैसे निकलेगी, डेल्टा डी अगर आप mm में चल रहे हैं तो 0.1 होगी या नहीं होगी, ये क्या है, त्रुटि होगी, क्योंकि यह अनिश्चित अंक है ना 7 वाला, तो 0.1 बहुत पहले चर्चा हो गई थी अपने लेक्चरों में,
तो ये हो जाएगा 0.1 बाय डी की वैल्यू 2.7। ठीक है, इनको आप ऐड कर सकते हैं 2% प्लस, ठीक है, मात्रक का फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर एमएम है और नीचे भी एमएम है ना, देख लेते हैं, ये एमएम में है ठीक है और त्रुटि भी एमएम है, ओके ठीक चल रहा है। तो 3/3 में क्या आ जाएगा, ये 27। लेकिन एक गलती हो सकती है कि हमने 100 से गुणा नहीं किया है, अभी गुणा 100 से कर देंगे हम यहाँ, ठीक है, और इसको आप जोड़ देंगे और ये परसेंटेज में क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा, जो भी आएगा। कौन सा आ रहा है देख के निकाल के बताइए फटाफट मुझे, इनमें से कौन सा उत्तर है, कैलकुलेशन कीजिए। मुझे लगता है आज लड़कों में पहले कोई उत्तर देगा, ओनली 18 वॉचिंग, बड़ी शर्म की बात है अभी। भावना सैनी ने उत्तर दिया 4.2। उत्तर की कंफर्मेशन मैं नहीं दूंगा, इसको हल करके आप जो देखेंगे वो उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ये एक आया है अपना स्क्रू गेज का क्वेश्चन, इतने वर्नियर कैलिपर्स के थे, स्क्रू गेज का एक ही आया है, ध्यान से देख लो आप, ठीक है। क्या दे रहा है ये, 50 खंड हैं टोटल, भाग दिए वृत्ताकार भाग, ठीक है, पिच 0.5 है, ओके, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, स्केल का मापन 2 है, मापन का मतलब इसकी बात कर रहा है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो एक जो चित्र दिए ये त्रुटि वाला दिया है, त्रुटि ज्ञात करनी है, ठीक है। त्रुटि कैसे ज्ञात होगी, त्रुटि कैसे ज्ञात होगी, ये रही मेजरिंग लाइन जहाँ पर अपने को मापन करना है, और इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 5, यहाँ इसने 5 लिख रखा है, क्या लिख रखा है, 5। ये E का मतलब है जीरो के लिए संकेत कर रहा है, ये एम्प्टी मान लो, खाली खाली वाली लाइन ये इधर ऊपर, 5 पाठ्यांक है, तो जीरो किधर है, ऊपर, और जीरो ऊपर होता है तो त्रुटि माइनस की होती है, याद करिए आप, त्रुटि क्या होती है, माइनस की, तो 5 भाग त्रुटि है ना, तो 5 गुणा अल्पतमांक 0.01 mm, तो ये हो गया 0.05 mm। ये अल्पतमांक कहाँ से निकाल के ले आया, अभी अभी निकाला था हमने 50 खंड वाले के लिए, याद कर लीजिए 0.01 mm अल्पतमांक निकाला था 50 खंड वाले के लिए, ओके। इसकी रीडिंग कितनी है, ये कह रहा है कि मुख्य स्केल है, जो मुख्य पैमाना जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू 2 माप है वहाँ, तो एक माप कितना बताती है, एक माप 0.5 mm की है, तो फिर 2 माप कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 0.5 mm, अर्थात 1 mm वैल्यू हो गई मुख्य पैमाने की, तो ठीक है भाई। और वर्ताकार भाग की 25 रीडिंग दे रखी है आपको इसने, तो इसका मतलब वर्ताकार भाग का जो पाठ्यांक होगा वो होगा 25 गुणा में 0.01, अर्थात 0.25 mm, तो पाठ्यांक कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, किन दोनों को जोड़ देंगे, 1 mm को और इसको, तो पाठ्यांक आएगा कितना आएगा, 1.25 mm आएगा। लेकिन शुद्ध पाठ्यांक ये नहीं होता, शुद्ध पाठ्यांक कौन सा होता है, त्रुटि को घटाने पर मिलता है, और त्रुटि किसकी है, ये जीरो ऊपर है, माइनस की है ये, तो इसको घटाना है हमें, वन मिनट, ये जीरो नीचे दिया हुआ है, ये रहा जीरो नीचे है बेटा, अगर जीरो नीचे है तो त्रुटि प्लस की हो जाएगी, अगर ऊपर है तो माइनस ही हो जाएगी, सिंपल सा है, जीरो नीचे लिख रखा है उसने, यहां ये रहा जीरो, ये जीरो किसका है, इसी का ही है, जीरो इसे माने या इसे माने, नहीं नहीं ये जीरो मुख्य पैमाने का ही है, ये मुख्य पैमाने का, ई का मतलब एम्प्टी खाली से दिया हुआ है, ये जीरो है वर्ताकार का, ठीक है, सही चल रहे हैं अपने, ये किसका होगा, माइनस का ही होगा, बिल्कुल, तो इसको इसमें से घटाएंगे, 1.25 में से घटाएंगे माइनस 0.05 को, तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास ये 1.25 प्लस 0.05, अर्थात 1.30, ठीक है, ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब जीरो यही है भाई, जीरो ये, तो प्लस करके देख लेते हैं, प्लस करेंगे इसको तो ये घटेगा इसमें से, और इसमें से घटेगा तो वैल्यू बनेगी 20, ये ऑप्शन में होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ये रही
1.2 ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, इसमें दोनों ऑप्शन नहीं दिए हुए, दो ऑप्शन की संभावनाएं अपने सामने बन रही थी, दो में कन्फ्यूजन हो रहा था, अब दोनों साथ में दे देता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया है उसने अपने को। देखो एक संभावना इसको जीरो मान रहे हैं अपने, क्लियर बात नहीं लिखी ऊपर भी, यहाँ इसको जीरो मान रहे हैं अगर अपने वर्तागर भाग का, तो हम लोग एरर को क्या ले रहे हैं प्लस का, तो कोई ऑप्शन मिलान नहीं हो पा रहा, इसका मतलब हमने गलती की है। तो फिर हम अगर इसको ई को जीरो के रूप में देखें, एम्प्टी के रूप में खाली वाली लाइन इसको देखें, तो फिर एक ऑप्शन मिलान हो रहा है, तो ये अपना सही हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, जितेंद्र सीमार, सुरेश शर्मा, भरत जाट, बिल्कुल। तो कुछ एक और भी क्वेश्चन है, ये आपने व्हाट्सएप पर मेरे से पूछा था कुछ एक बच्चों ने, इसलिए ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बाकी अपने क्लास खत्म करते हैं इसके बाद में, ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। आपसे ये पूछा गया है कि तीन छात्र हैं, वो तीन छात्र अलग अलग पाठ्यांक नोट करके अपनी टेबल में लिख लेते हैं सरल लोलक के लिए, ओके। आपसे ये पूछा गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि त्रुटि किस में जीरो, पहले में जीरो है या नहीं है, पहले में कम है या नहीं है, पहले और दूसरे में बराबर है या नहीं है, या फिर दूसरे में अधिकतम होगी, ये चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन पूछा गया जो आपको बताना है। देखिए त्रुटि कम कब होती है, त्रुटि कम कब होती है, त्रुटि कम होने के लिए पहली बात तो ये जरूरी है, ठीक है, कि दोलनों की संख्या ज्यादा कर दें, जब आप दोलनों की, इस पर्सन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं बोलूं तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि प्रेक्षण बार बार लें, ज्यादा बार प्रेक्षण लें, ठीक है, प्रेक्षण ज्यादा बार लिए जाएं और उनका माध्य निकाला जाए, ठीक है, एक ही बार प्रेक्षण लेने में एरर रहेगा ज्यादा, दो बार लोगे उनका माध्य निकालोगे एरर कम हो जाएगा, 10 बार लेकर के माध्य निकालोगे एरर और कम हो जाएगा, जितने ज्यादा बार प्रेक्षण लिए जाएंगे एरर उतना ही कम हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहां देखिए दोलन कितने हैं, 8 है, यहां कितने हैं, 4 है और यहां भी 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शन में त्रुटि कम होनी चाहिए, पहले में, भी इसमें ज्यादा बार प्रेक्षण लिया गया है ना, लेकिन और भी कोई कारण होंगे जिन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल, और कौन से कारण है, और कारण है कि आयाम जो है सरल लोलक का, आयाम वो कम रखिए, आयाम कम रखिए तो एरर कम रहेगा, किसके मेजरमेंट में, जी के मेजरमेंट में। क्यों आयाम कम पर ये लागू होता है, देखिए 11th में भी चर्चा कर चुका हूं मैं कि आवर्तकाल का जो ये सूत्र होता है सरल लोलक के लिए, ये वैध तब तक है जब तक आयाम क्या है, कम है, आयाम यदि कम है तो ये वैध है, मतलब सही रूप से काम करेगा, अदरवाइज ये सही रूप से काम नहीं करेगा, तो आयाम कम होना चाहिए। तो आयाम संदर्भ में तो हमारे पास कोई चर्चा आ नहीं रही यहाँ पर, ठीक है, तो एक ही बिंदु देख करके आप टिक कर सकते हैं उत्तर का, कौन सा, कि पहले में त्रुटि कम होगी, पहले में त्रुटि जीरो नहीं होगी, कम होगी भी ये बोल रहा हूँ, पहले और दूसरे में त्रुटि बराबर तो हो ही नहीं सकती, क्यों, इसमें अलग प्रेक्षण है, इसमें अलग प्रेक्षण है, बराबर कैसे आ जाएगी, ठीक है। द्वितीय में अधिकतम का कोई सबूत हमारे पास नहीं मिल रहा, लेकिन पहले में कम होगी ये तो हमें मिल रहा है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। आयाम का रोल बताया ना बेटा, आयाम कम है तो ये वाला सूत्र लागू हो सकता है क्लियर रूप से, आयाम ज्यादा है तो ये सूत्र लागू ही नहीं हो पाएगा, और इसी सूत्र से तो हमें गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू निकालनी है ना, 4π² L/T² सूत्र का यूज करके ही तो हमने त्रुटि निकालनी है, कैसे निकालेंगे, डेल्टा एल बटा एल प्लस 2 δt/T, यही तो हम यूज करेंगे, ठीक है, इसकी सहायता से आप वैल्यू निकाल निकाल के देखेंगे तो भी पता चल जाएगा इसमें कम आनी है, लेकिन डायरेक्ट ढूंढना होगा ना, इतनी कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ढूंढना होगा हमें इसके अंदर। जूम का तो मैं ये क्वेश्चन आपको डाल दूंगा डायरेक्ट व्हाट्सएप पर, जो मेरे से जुड़े हुए हैं तो आप इसे देखना चाहो तो, अब तो मैं बता चुका हूँ, अब तो जूम करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चनों की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए ताकि हमारे इसके अंदर एक्यूरेंसी बढ़ सके, एक्यूरेंसी तभी बढ़ेगी जब हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।